हेलो छात्रों, मैं संतोष सर आप लोगों के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग वर्ग 5 का विषय हिंदी पाठ का नाम है बातचीत का असली मजा। बातचीत का असली मजा, आखिर बातचीत में क्या मजा है? तो मजा ही मजा है। कैसे? बातचीत बिना बात किए हुए हम अपने मन की अभिव्यक्ति को एक दूसरे से प्रकट कैसे कर सकते हैं, अर्थात हम अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन में उठ रहे बातों को बिना दूसरे से शेयर किए हुए, बिना दूसरों से कहे हुए हम भला कैसे अपनी बात किसी अन्य तक पहुंचा सकते हैं? तो उसका माध्यम है बातचीत करना। हम जानते हैं छात्रों कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो यह आदान प्रदान करने में सबसे पुरानी भाषा की जो प्रकार रूप हमारे सामने दर्शित होता है वह होता है मौखिक भाषा, अर्थात मौखिक भाषा में हम बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने का असली मजा कब आता है इस पाठ में हम लोग देखेंगे। इस पाठ में यूं तो प्रत्येक पिता, पापा, डैडी, फादर, प्रत्येक पिता अपने पुत्र को सदैव यही समझाते हैं कि बेटा अच्छे से बात करना चाहिए, बेटा सबके साथ अच्छे से आपको व्यवहार करना चाहिए, उदंडता नहीं करनी चाहिए, बदमाशियां शरारतें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। और जब किसी पापा को यह दिखाई देता है कि उनके बच्चे में अच्छी बातें हैं तो वह खुश होते हैं, वह अपने हृदय में तसल्ली भरते हैं, इत्मीनान होते हैं, संतोष होता है, उन्हें संतुष्टि मिलती है कि वह जो शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को, जो संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चे को, जिस विद्यालय में भेज रहे हैं पढ़ने को, वहां पे उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है और यह उनके लिए संतोषजनक बात होती है, इसलिए उनका हृदय खुश हो जाता है। परंतु जैसे ही किसी पिता को यह दर्शित होता है, यह दिखाई देता है कि उनका पुत्र अच्छी बातें नहीं कर रहा है, उदंडता भरी बातें कर रहा है, बात किसी का सुनता नहीं, तो उन्हें तकलीफ होती है। कभी तो डांटते हैं, कभी मार भी बैठते हैं और वह अपनी असंतुष्टि को दर्शाते हैं। अपनी असंतुष्टि को दर्शाते हैं अपने बेटे पर। या इस पाठ में भी एक पिता अपने पुत्र को समझाए हैं, एक पत्र के द्वारा एक पत्र लिखे हैं अपने पुत्र के पास और उस पुत्र को समझाते हैं कि आखिर कैसे हम बातें करें ताकि हमारी बातों को लोग तवज्जो दें, लोग सुने, समझें और हमारा सम्मान भी करें, और किन किन लोगों से हम बचें, किस तरह की बातों से हम बचें ताकि हमारा समाज में आत्मसम्मान ठेस न पहुंचे, हमारे प्रतिष्ठा का हनन न हो। इन सभी तमाम बातों से यह पत्र भरा हुआ है और इस पत्र के माध्यम से छात्रों हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से बातें हम करें ताकि इन बातों से समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, जिसे सुप्रभाव कह सकते हैं। जाहिर है छात्रों कि आप अगर बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन आपका अनुसरण करते हैं, देखते हैं भैया क्या कर रहा है, दीदी क्या कर रही है और वैसे करते हैं, अर्थात आप जिस तरह से बातें करेंगे आपको वो कॉपी करेंगे। और अगर आप छोटे हैं तो आपकी बातचीत को देख करके आपसे जो बड़े हैं वह भी बहुत कुछ सीखते हैं। आइए छात्रों देखते हैं इस पाठ में हमें
अधिगम संप्राप्ति क्या मिलने वाला है, अर्थात हमें अधिगम संप्राप्ति क्या लें इससे, तो इसमें से हम ले सकते हैं, इसमें से हमें मिल सकता है बातचीत का, बातचीत संबंधी शिष्टाचार सीखना। शिष्टाचार, शिष्ट आचार, आचार का अर्थ होता है व्यवहार, और शिष्ट व्यवहार अर्थात जो व्यवहार शिष्ट हो, जो व्यवहार अच्छे हो, वह शिष्टाचार है। तो बातचीत संबंधी शिष्टाचार सीखना, शिष्टाचार के अंतर्गत उठना, बैठना, खेलना, खेलने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सभी आते हैं। बातचीत का संपूर्ण और सटीक होने की कला सीखना, बातचीत का संपूर्ण होना अर्थात जो भी बातें हो वह पूर्णता को प्राप्त हो। छात्रों, काम अधूरा नहीं छोड़ते कभी हिम्मत वाले, और काम पूरा नहीं करते कभी गफलत वाले। अर्थात कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसको अधूरा मत छोड़िए, अधूरा अगर छोड़ते हैं तो गफलत वाले हैं, अगर पूरा करते हैं तो आप हिम्मत वाले हैं। आप कौन हैं? वेरी गुड, हिम्मत वाले हैं। हिम्मत वाले काम अधूरा नहीं छोड़ते, अर्थात जो भी बातचीत करते हो आप किसी से, उस बात को संपूर्णता प्रदान कीजिए, पूरा कीजिए। और सटीक होने की कला सीखना, और सटीक अर्थात जितनी आवश्यकता है उतनी ही बातें, हम ज्यादा बातें न करें। तीसरा पॉइंट है श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करना। श्रवण का अर्थ होता है छात्रों सुनना, सुनना। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। और वाचन का अर्थ होता है बोलना, सुनना और बोलना, यह दोनों ही मौखिक भाषा का रूप है। श्रवण और वाचन कौशल, कौशल अर्थात इसका ज्ञान का अभ्यास करना, यानी सुनने और बोलने का अभ्यास करना। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, पत्र पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कहा जाता है वैसे पत्रों को जो पत्र हम विभागीय कार्यालय कार्यों में देते हैं, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिख रहे हैं, उसमें दो दिन की हमें छुट्टी चाहिए किसी कारण बस, तो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। बीडीओ साहब को, सीओ को, या फिर हमारे गांव में, हमारे गलियों में कचरे जम जाते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम एक पत्र लिखते हैं कचरों को उठा ले जाने के लिए, या बिजली आपूर्ति ठप है, तमाम इस तरह की पत्रों जो लिखते हैं हम, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। तथा अपने मित्र, बंधु बांधव, अपने माता पिता या परिवार के किसी स्वजनों को हम अगर पत्र लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस यह एक पत्र है, यह पाठ, जिसमें पिता एक अनौपचारिक पत्र अपने पुत्र को भेजते हैं। पत्र लेखन का अभ्यास करना और उसका अभ्यास करने की विधि हमें इस पाठ से मिलेगी। साथ में सबसे अंतिम पॉइंट है पाठ को पढ़ना और समझना। पढ़ना एक बात होती है छात्रों, और समझना दूसरी बात होती है। पाठ को पढ़ना, पढ़ना का अर्थ हुआ हम उसको थ्रोली पढ़ते जाते हैं, और समझने का अर्थ हुआ कि पढ़े हुए चीजों को अपने हम जीवन में उतारते हैं, तब हमारा वह सार्थक हुआ समझना। छात्रों आते हैं आगे, पत्र आरंभ हो रहा है जो पिता ने अपने पुत्र को पत्र लिखा है। यह पिता कौन है? तो यह पिता ही इस पत्र के, इस
पाठ के लेखक हैं चेस्टरफील्ड, उनका नाम है। एक अंग्रेज हैं ये चेस्टरफील्ड, जो पेशे से इंजीनियर भी थे। यह चेस्टरफील्ड अपने पुत्र को पत्र लिखे हैं और उसमें नसीहत दिए हैं, समझाए हैं कि उन्हें किस तरह से बातें करनी चाहिए। छात्रों, इसमें लिखी हुई वो सभी बातें आपके भी पिताजी पापा आपको जरूर समझाते होंगे, आपकी मम्मा भी मम्मी भी समझाती होंगी, अर्थात आपको चाहने वाले आपके घर में जो भी गार्जियन हैं वह सभी प्रायः इन सारी बातों को आपको जरूर समझाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरी मम्मी बोल रही है, ये तो मेरे पापा बोल रहे हैं, ये तो मेरे अंकल जी बोल रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग समझाते हैं आपको ऐसी बातें। और निसंदेह छात्रों, इन बातों को जरूर समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आप स्वयं सुखी और समृद्ध प्राप्त कर सकते हैं, आपका समाज में एक उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो सकता है, आपका सभी लोग सम्मान करेंगे। आइए छात्रों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बेटे, बेटे को संबोधित कर रहे हैं पिता, मेरे प्यारे बेटे, अच्छे लोगों के साथ रहने पर कई बार अपने आप पर भी ध्यान जाता है और मन सोचता है कि कहीं आपकी बातचीत में कोई कमी तो नहीं है। अक्सर ही ऐसा महसूस होता है कि कोई कमी तो नहीं रह गई, हम बात कर रहे हैं, बात करने में कहीं कुछ गलत तो मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, कहीं कुछ अप्रत्याशित रूप से बात नहीं निकल रही है। यह बातें जरूर सोचता है प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, इससे वह अलग नहीं रह सकता, पृथक नहीं है। सबसे पहले बात तो यह है कि बातें करो, बातें जरूर करो, क्योंकि अपने मन की अभिव्यक्ति कैसे हम बांट सकते हैं। बातें करो, जरूर करो, सबसे करो, लेकिन मगर जबान को छूट मत दो। देखिए ये रेड कलर में लिखे हैं, ये ऐसी बातें हैं जो मंत्र है। बातें करो, सबसे करो, लेकिन जबान को छूट मत दो, यानी बेलगाम मत बोलो, लगाम लगा के बोलो। लगाम जो घोड़े में, घोड़े के मुंह में लगा होता है, जब घुड़सवार टान देता है तो घोड़ा रुक जाता है, अर्थात आप भी लगाम लगा लो अपने मुंह में, जहां रोकने की जरूरत हो रुक जाओ, फराटेदार बोलते जाएंगे। छात्रों यकीन मानिए एक बात, जो बहुत अधिक बोलता है निसंदेह वह झूठ बोलता है, क्योंकि जो मतलब की बातें होती हैं वह तो एक लाइन में हो जाती हैं। अर्थात कम से कम शब्दों का प्रयोग करके हम एक अच्छी बात कह सकते हैं, अपेक्षाकृत अधिक से अधिक बोल करके कहने के। सबसे पहली बात यह कि बातें करो मगर जबान को छूट मत दो। कम बातें करोगे तो न दूसरे को नाराज करोगे, न ही उन्हें उगताओगे। उगताओगे यानी कि वह अब बात सुनते सुनते उनका भी दिमाग खराब होने लगेगा। ऐसी बातें मत करो, मना कर रहे हैं पिता अपने पुत्र को। दूसरी बात यह है कि बातें करते करते अपनी कहानी न कहने लगना। जैसे बहुत लोग बातें करते हैं, हाँ हमने भी देखा था, एक छात्र बोला, एक दोस्त बोला कि पता है मैं तो गया था अपने नाना जी के यहाँ गर्मी की छुट्टियों में, अरे वाह इतने बड़े बड़े आम थे आम के बगीचे। तब तक दूसरा मित्र बोलता है हाँ हाँ मेरे भी यहाँ थे, मैं भी गया था, मेरे भी यहाँ थे। ऐसा मत करो, उसकी बातें पूरी तरह से सुनो, सुनना है कि वो बोल क्या रहा है। अब अपनी कहानी बीच में आप कहने लगते हो, ये मत करो। ये बात एक पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि दूसरी बात यह है कि बातें करते करते अपनी कहानी न कहने लगना। कहानी कहनी भी पड़े, कोई उदाहरण देना भी पड़े, तो वह छोटा और सटीक होना चाहिए। वह
छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, यानी कम शब्दों में होना चाहिए। तुम जानते हो कि आज यदि कमी है तो समय की, सबके पास समय की कमी है। ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हें बोर कहेंगे, अर्थात अधिक कार्य करते रहोगे, एक ही काम को बार 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 करते रहने पर लोग बोर हो जाते हैं और आपको भी बोर कहेंगे, ये बोर करने वाला आदमी है भाई भागो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी कविताएं सुनाने लगते हैं, जैसे एक कवि महोदय ने कहा स्टेज पर कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। वो कवि महोदय अपने आप को उत्कृष्ट कवि मानते थे और कवि उत्कृष्ट तो होते ही हैं, उत्तम होते हैं, लेकिन वह थोड़े एक्स्ट्रा मानने लगे अपने आप को, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है, तो अति सर्वत्र वर्जिते होता ही है। उन्होंने कहा कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। चिलमन का अर्थ होता है गिरेबान। उन्होंने कहा कि तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। अब अगली लाइन बन ही नहीं रही थी उनकी, बार बार बोल रहे थे तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके, तेरे चिलमन में मैं झांकूं, मेरे चिलमन में तू झांके। बार बार सुनते सुनते एक श्रोता बोर हो गया बेचारा और कहा कि ये बोर कवि है। वो सीधे आया और कवि महोदय से माइक लेकर कहा, अरे भैया लगा दो आग इस चिलमन को, न मैं झांकूं न तू झांके। कवि महोदय ने कहा वाह 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 क्या बात है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो ऐसी बातें न हो, हम कम शब्दों में अपनी बातें कहें। अब एक ही बात को रबर की तरह हम टांते जाते हैं तो लोग बोर होते हैं। इस बात के लिए एक पिता अपने पुत्र को मना कर रहे हैं, क्योंकि आज सबके पास समय की कमी है। एक बात और याद रखना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे भी हों अपनी बात को दूसरों के गले के नीचे उतारना चाहते हैं, जबरदस्ती, नहीं कहो हमने गलत किया, नहीं कहो आप ही बताइए, आप ही बताइए, अरे आप ही बताइए तो आपने किया क्यों, पहले पूछ लेते ना। ऐसे जबरदस्ती लोग बातें अपनी उतरवाते हैं किसी के गले, हाथ पकड़ लेंगे, अगर आप उठ के जाना भी चाहेंगे अरे रुकिए ना बैठिए, रोक लेंगे, तुम यह हरगिज नहीं करना, तुम किसी के साथ मत करना बेटा मेरे, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरों का हाथ पकड़ने से पहले तुम अपनी जबान पकड़ो, तुम अपने जबान को रोक लो, नहीं तो उसके सामने तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, वो जाएगा समाज में, 10 आदमी से मिलके कहेगा बड़ा अजीब तरह का आदमी है भाई, अजीब तरह का लड़का है, अपनी ही बातें कहते जा रहा है, अपनी ही बातें कहते जा रहा है। देखिए पिता चिंतित होते हुए अपने पुत्र को लिख रहे हैं, अब कॉफी पी लिए, ऑफिस से बातें हो रही हैं, दोनों आदमी विदा होने वाले हैं, लेकिन ये बोलती ही जा रही हैं अपनी बातें, ये बेचारे बोर हो रहे हैं। तो ऐसे बोर होते हैं लोग, बोर ना हो कोई, हम अधिक बातें एक ही बात को लमड़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो लोग बोर होते हैं, और जब बोर होंगे तो हमसे बात करने से कतराएंगे, मालूम चलेगा कि हम इस गली से जा रहे हैं तो वो देख लेंगे कि अरे भाई वो आ रहा है, फिर पकड़ के बात करने लगेगा, वो दूसरे गली से चले जाएंगे, नहीं आएंगे आपके सामने, क्योंकि आप उनके दिमाग में ये बात बैठ गया है कि आप जब भी पकड़ते हो तो बहुत सारी बातें करते हो, बिना मतलब की बातें करते हो, इसलिए न करें ऐसा। मेरा एक मित्र था, पिता अपने पुत्र को एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक मित्र था जिसे बोलने की बीमारी थी। बहुत से लोगों को ऐसी होती है बातें, पकड़ में आ गए आप तो बाप बाप एकदम बुखार छुड़ा देते हैं, बहुत ही बोलते हैं और हर मैटर पर बोलते हैं, उससे सभी लोग कतराते थे, फिर भी वह किसी न किसी को पकड़ ही लेता
और मन में जो कुछ भी होता उसे पूरे का पूरा उगल कर ही चुप होता। जैसा कि हमने कहा, अभी हम लोगों ने बातें की अभी छात्रों की, किसी से बात आप कर रहे हैं, वो भाग भी रहा है तो पकड़ के बैठा रहे, रुक ना यार, अरे रुको तो सही, अरे बैठो तो सही, सुनो तो सही, जबरदस्ती वो सुनना अगला नहीं चाह रहा है, फिर भी हम सुना रहे हैं उसको। तो उससे भी उनका जो मित्र थे उनको भी बात करने की ऐसी ये थी, बीमारी थी, बीमारी कह रहे हैं क्योंकि ये आदत में शामिल थी उनके, और उनसे लोग कतराते थे, फिर भी वह किसी न किसी को पकड़ ही लेते थे और अपने मन में जो कुछ भी होता था उसे पूरे के पूरा उगल कर ही चुप हो जाते थे। अपनी बातों को पूरा करना करने का अर्थ यह नहीं कि हम सामने वाला न सुनना चाहे फिर भी सुनाते रहे, उसे पूरे का पूरा उगल कर ही चुप होता था। इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं, इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं। सभ्यता का अर्थ होता है सभ्य व्यक्ति सभ्यता दर्शाते हैं और असभ्य व्यक्ति असभ्यता दर्शाते हैं। आप सभ्य हैं या असभ्य यह निर्णय आपका है, क्योंकि आप के कर्म के आधार पर ही समाज आपका मूल्यांकन करता है। छात्रों एक चीज छोटी सी बात समझिएगा, आप मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, फूआ के यहाँ जाते हैं, मौसा मौसी वगैरह कई संबंधों में आप जाते हैं अपने पापा मम्मी के साथ जाते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि लोग पूछते हैं अरे क्या बात है, कुछ बच्चे उदंडता दिखाते रहते हैं उनको वह डांट भी देते हैं और कुछ बच्चे शांत रहते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं जहां बोल दिया जाए जो काम कर दिया जाए करते रहते हैं, तो उनका सब लोग सम्मान करते हैं और उनसे पूछते भी हैं, उनसे अपने बगल में बैठा करके पूछते हैं। मैंने देखा कि एक बच्चे से जो शांत स्वभाव से बैठा था उसको एक सज्जन व्यक्ति ने जो बुद्धिजीवी थे उसको बुलाए और बुला करके अपने बगल में बिठा लिए, बोले बेटा आपका नाम क्या है, आप किस गांव से हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा। उसने कहा रिद्धि सिद्धि में पढ़ते हैं, रिद्धि सिद्धि स्कूल में आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, तो आप कितने परसेंट लाए हैं इस बार एग्जाम में, तो 90% लाए हैं, 92% लाए हैं। बोले वाह वाह वेरी गुड नाइस टू मीट यू बेटा, प्लीज सिट डाउन हियर। वो अपने बगल में उसको बैठा लिए और बैठा कर उनसे ढेर सारी बातें करने लगे, मिठाइयां आई तो उन्हें मिठाइयां भी दिए, लो बेटा खाओ। और दूसरे एक उसी उम्र का लड़का, वह काफी इधर उधर उछल कूद करते रहता था, बिना मतलब की बातें बोल रहा था, उसको बुला के कहे सुनो इधर सुनो सुनो सुनो, वो देखो आलू बॉयल करके रखा हुआ है ना, जाओ तुमको दिखाई नहीं दे रहा, जाओ छिलो उसको छिलो। देखिए कितना अंतर, एक शांत स्वभाव से रहने वाले और एक हर हर पट 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 हर, यानी एम फॉर मैन या एम फॉर मंकी, इसमें अंतर करना आपका निर्णय है, आपका काम है, हु आर यू, है ना। तो इससे बढ़कर कोई असभ्यता नहीं। ध्यान दो कि बातचीत दो तरफा रास्ता है, बातचीत दो तरफा रास्ता है, अर्थात तो दोनों का मन होना चाहिए बातचीत करने का, तब बातचीत करो, यूं ही नहीं। यदि उधर से आए तो इधर से भी जाए, यानी कि उधर से कोई कुछ बोलता है तब आप जवाब देते हैं, तब अच्छी बात है। अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और आप बोलते जाते हैं, हाँ किसी बारे में सोचना है, किसी बारे में पूछना है, जरूर पूछिए, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। तरीके से पूछिएगा, अंकल जी ये क्या है, ये इसका काम क्या है, तो एकदम बिल्कुल आपको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बेटे जी ये है, ये है, इसका काम ये है, इसका फंक्शन ये है, आप समझ जाएंगे, आपको संतुष्टि देंगे, वो करेंगे। लेकिन आप फिर बार 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 एक ही बात को दोबारा तिबारा बोलते जाएंगे तो वो भी बोर होंगे, ऐसा न करें। इसके लिए ही वह पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं। मान लो कि किसी दिन रास्ते में तुम्हें किसी ऐसे बातूनी ने पकड़ लिया, बातूनी किसे कहते हैं,
तो बातूनी कहा जाता है जो खूब ज्यादा बातें करता है। बातूनी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे? अधिक बोलने वाले को बातूनी कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़ते हैं ना उसी में। तो बातूनी ने पकड़ लिया तो क्या करोगे? बातूनी पकड़ लेगा तो क्या करोगे आप? तो उसका सजेशन दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। खूब बोलने वाला आदमी है, पकड़ के बोर करेगा आपको। पकड़ लिया तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? तो उसे ध्यान से सुनो, खड़े हो जाओ चुपचाप और जो भी बोलते जा रहे हूं के बाद कुछ मत बोलो। मतलब अपनी अब कहानी मत लगाओ उसमें, उसको दूसरे तरह से उसके बातों को मत घुमाओ फिराओ, चुपचाप सुनो। चुपचाप सुनने से क्या होगा? ध्यान से सुन नहीं सकते। अगर ध्यान नहीं लगाना है उसमें तो कम से कम अभिनय करो कि ध्यान से सुन रहे हो। उसके सामने यह प्रकट करना चाहिए, हाँ ध्यान से सुन रहे हैं। भले ही आप ध्यान से मत सुनो, आप कुछ और सोचो, आप कुछ और देखो, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है तो उन बातों में, अगर मन लग रहा है तो अच्छी बात है भाई, बात सुनो समझो। अगर नहीं तो सुनने का अभिनय करना चाहिए, करो। वह बोलते बोलते थक जाएगा और तब क्या होगा कि वह बोलते जाएगा अपनी बात और आपसे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा तो अपनी ही बात सिर्फ बोलेगा, और बोलते बोलते जब थक जाएगा हो सकता है कि वह भाप भी जाए कि तुम बोर हो रहे हो। उसको ऐसा महसूस हो कि वो मैं इतना बोल रहा हूं तो ये तो बोर हो रहा है, मैं इतना बोल क्यों रहा हूं, हो रहे हो, और अपना भोपू बंद कर दे। और इससे वो अपना भोपू, भोपू बोलने वाला यंत्र को भोपू कहते हैं, वो बंद कर ले, यानी अपना मुंह बंद कर ले, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो जाएगा कि अब बोर हो रहे हैं। बंद कर दे, हर हाल में जीत तुम्हारी है, क्योंकि जीत कैसे हो सकती है? तो जब हम एक बातूनी के सामने, अब वो बातूनी है और उसके साथ हम भी बातूनी बनते जाएंगे तो भाई बातें तो बढ़ती जाएंगी, बिना मतलब की बढ़ेंगी, एक जगह से दूसरे जगह, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी चेन्नई, कभी कोलकाता, कभी आगरा, कभी रांची, कभी बोकारो, कभी धनबाद, कभी छपरा, कभी पटना, इस तरह की बातें एक के बाद एक डालियों पर कूदती जाएंगी। वही बात है वहां पर, एम फॉर मैन और एम फॉर मंकी। डालियों को कूदने का काम तो मैन का हो नहीं सकता। एक बातें पूरी बातें हो तब दूसरे के बारे में सोचे, लेकिन बातूनी लोग तो अपना ट्रैक चेंज करते रहते हैं। इसलिए आप उस समय चुपचाप हो जाइए, सुनिए, सुनते सुनते हो सकता है कि उसके मन में ये बात हो जाए कि आप उसके बातों से बोर हो रहे हैं, तो वह अपना भोंपू बंद कर ले, मुंह बंद कर ले। अगले पंक्तियों में लिख रहे हैं, लाइनों में, कि एक बात और। क्या बात? बातचीत के दौरान अक्सर लोगों के बीच बहस भी हो जाती है, हो जाती है बहस। अरे भाई, एक सर अपने कक्षा में पढ़ा रहे थे और दो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। सर पढ़ा रहे थे कि देखो बच्चों, एसएसटी का घंटी था, देखो बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है। अब दोनों बातें कर रहे थे, तब तक टीचर घूमे इधर, ये कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में है, कुछ छात्रों ने कहा। दो बच्चे जो बातें कर रहे थे उनसे, उनको जब शिक्षक ने देखा, बोला यू प्लीज स्टैंड अप, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा यहां से? बोले यस सर। अच्छा सुने हैं, बोलिए तो मैंने क्या कहा। तो उसने कहा कि सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है, आपने ये कहा, क्योंकि बातें करते समय तो उसका ध्यान कहीं और था। दिल्ली में कुत्ता बीमार है, सर पढ़ा रहे हैं दिल्ली में कुतुब मीनार है और छात्र सुन रहे हैं दिल्ली में कुत्ता बीमार है। यह होता है प्रॉब्लम गैपिंग का,
बातें करने और सुनने का। अब उन दोनों छात्रों में बाद में बहस होने लगी कि नहीं नहीं सर बोले थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। बोले नहीं नहीं मैंने सुना अपने कानों से दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अरे भाई दिल्ली में कुत्ता बीमार हो बिल्ली बीमार हो उसको सर क्यों पढ़ाएंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार को ही पढ़ा सकते हैं। ये बातें होनी चाहिए आप में, है ना। तो तर्क जो होने लगता है वह तर्क बहस, बहस को तर्क कहते हैं, जो एक बात को दूसरे लोग काटते जाते हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, पानी तो नीले रंग का है, नहीं नहीं पानी तो सफेद रंग का है। अरे भाई पानी किसी रंग का नहीं होता, पानी में जो रंग मिला दो उस रंग का होता है। लेकिन इसी पर बहस घंटों चलती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचो, ऐसी स्थिति में नहीं जाने चाहिए, यह बुद्धिमानों का काम नहीं है, ये तो पागलों का काम। इसलिए ऐसी स्थिति से बचो, नहीं बच सकते तो जो सही समझो वही करो। अगर कहीं ऐसी बात है कि नहीं हम भाई सही हैं, सही हैं हम, व्याकरण के तीन ही विभाग होते हैं चार नहीं होते हैं, तो आप अगर कह रहे हैं तो उसमें तर्क आपका मजबूत होना चाहिए। और जब अगर तर्क मजबूत है तो आप अपनी बातों पर अड़िग हैं, अड़े हुए हैं, तब आप यह समझ करके ही उस समय काम कीजिए कि नहीं भाई मैं अड़ा हुआ हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो तुम्हारे तर्क में ताकत होगी तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। ताकत होगी तो अगर सही है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं तो लोग को स्वीकार करना होगा क्योंकि आप सही हैं। साथ ही जहां तक हो सके अपनी निजी बात न कहो, माने उसमें अपनी कहानी को इनपुट मत करो, अपनी कहानी मत कहो, किसी बात में अपना उदाहरण मत दो, अपना अनुभव मत बघारने लगो। हाँ मैं जानता हूं मैं भी गया था, मैंने गया था, मैं देखा हूं। अरे भाई किसी ने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा उन्नत किस्म का सेब कश्मीर, भारत के कश्मीर में और कश्मीर के शालीमार बाग में मिलता है। आपको यह बात उचित लगा। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं हमने तो हिमाचल प्रदेश में देखा है बड़े बड़े सेब होते हैं, अरे इतने अच्छे अच्छे यार, क्या स्वाद है, मीठे मीठे सेब होते हैं, हिमाचल वाले सेब अच्छे लगते हैं। और आप जानते हैं कि नहीं कश्मीर के शालीमार बाग का सेब सबसे उन्नत सेब है पूरे विश्व का। तो आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ हैं तो आप अपने जगह पर सही हैं और तब आपकी बातें सभी मानेंगे। लेकिन अपने अनुभव को मत उसमें बघारने लगिए। परंतु झूठी नम्रता दिखाना भी ठीक नहीं है, और अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो फिर डरने की बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई को चाहे जितना भी कंबल उड़ा दिया जाए, छुपा दिया जाए, वह तो सामने आ ही जाती है। इस तरह की बात कहने से बचो, ऐसी बातों को कहने से बचना चाहिए। कैसी बातों को, जो झूठी नम्रता को दिखाता है, बहुत अच्छे हैं, और अंदर से मन में आ रहा है कि भगवान बचाए ऐसे आदमी से, तो ऐसी बातें न हो और उस जगह आप झूठी नम्रता न दिखाओ। इस तरह की बात कहने से बचो, किस तरह की, तो देखिए किस तरह की बात, यार मुझसे तो दूसरे को का दुख देखा ही नहीं जाता, आंखों में पानी आ जाता है दूसरे का दुख देख के, आंखों में पानी आना यानी रोना, आंसू आना, क्या करूं यह मेरी कमजोरी है, अब तुम्हें क्या बताऊं। उस दिन मैं एक गली से गुजर रहा था, ठंड से कांप रहा था, गुजर रहा था, एक आदमी ठंड से कांप रहा था, उसे देखकर मैं रो पड़ा। आदमी कांप रहा था ठंड से और देखकर मैं रो पड़ा। मैंने अपना कोट उतारा और उस भिखारी को दे दिया आदि। इस तरह की बातें मत बोल रहे किसी से,
क्यों? क्योंकि ये बात अगर सही भी है तो भी उसे लगेगा कि नहीं, सेठ ही बगाड़ रहा है, अपना बराबराई कर रहा है, अपने ही मुंह मियां मुट्ठी बन रहा है। ये सही है, अगर आपने दान किसी को किया है तो किसी से कहो मत, दान किए हुए कार्यों को किसी से नहीं कहना चाहिए। बात सच्ची भी हो तो लोग इसे झूठ ही समझेंगे। आ गई ना बात, कि बात अगर आपकी सच्ची भी होगी तो लोग उसे झूठ समझेंगे, कुछ इसे तुम्हारी मूर्खता भी कहेंगे। देखो कितना मूर्ख है, अरे वो कौन था, कहां से था, क्या था, अपनी कोट उतार के दे दिया, मूर्ख नहीं तो और क्या है। अगर उसे सच भी लगती है तो निसंदेह वह तुम्हारी भर्त्सना ही करेगा, अर्थात तुम्हारी बुराई ही बात करेगा, वो अच्छा तुम्हें नहीं कहेगा। आपने अच्छा कार्य किया लेकिन सुनने वाला आपकी बड़ाई नहीं करना चाहेगा। हो सकता है दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश करने वाले लोग ही इस तरह की बातें करते हैं। ये जगजाहिर बात है कि अपनी प्रशंसा बहुत करते हैं लोग, छात्रों अपनी प्रशंसा लोग करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसी बातें जो भी कहते हैं लोगों के मन में आता है कि देखो अपनी सेखी आप बगाड़ना। रहीम जी ने कहा है इस पर कि बड़े बराई ना करे, बड़े ना बोले बोल। बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते और भले अपना बोल अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। ये काम एक व्यक्ति को समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका मूल्यांकन अगर आप ही करेंगे तो समाज क्या करेगा। अतः अपना मूल्यांकन स्वयं से, हाँ अपने अंदरूनी हिस्से में आपके अपने विचार जो हैं जिसे सिर्फ आप ही जानते हैं, उन विचारों को आप स्वयं से मूल्यांकन जरूर करें, परंतु अपना अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का, अपने चारित्रिक गुणों का विश्लेषण और मूल्यांकन समाज के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जिसे 10 आदमी अच्छा कहेगा उसे ही अच्छा माना जाता है ना। तो इसलिए अपने बारे में कोई बात मत करो, करनी भी पड़े नहीं। यहाँ पे ध्यान देने लायक एक बात और है, जो कहने की बात न हो उसे जबान पर लाने की जरूरत ही क्या। लोग आधा कहेंगे आधा छिपाएंगे तो तुम्हारे प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। किसी का कोई भेद जानते भी हो तो उसे अंदर ही रखो, अर्थात अगर आप किसी का भेद जानते भी हैं, किसी के बारे में जानते हैं कि हाँ एक जैसे आप अगर देखे भी हैं कि उस अंकल जी के बगीचे में आप ही का एक दोस्त है, आप जानते हैं उसको, उससे झगड़ा हुआ था पिछले हफ्ता में आपका, वो फील्ड में अपने बॉलिंग आपसे करवा लिया और बैटिंग करने की जब आपकी बारी आई तो भाग गया, इस बात को लेकर झगड़ा हो गया, तकरार हो गया, और वही लड़का किसी के आम के बगीचे में जाके आम तोड़ा है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बातों को आप किसी से न कहें, किसी का कोई भेद जानते भी हो तो उसे अंदर ही रखो, कारण कि वैसी बातों को चुगलखोरी और दूसरे की निंदा से बचना चाहिए। आप जब भी देखिए छात्रों, दोष लगाना तो बहुत आसान बात होता है और सभी लोग दोष लगा देते हैं, लेकिन अगर एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, ये देखिए हमने एक उंगली उठाया, क्योंकि ये उंगली उठाना ही दोष लगाने का पर्याय होता है। अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो एक उंगली उसके तरफ होता है, बाकी की तीन उंगलियां अपनी तरफ हो जाती हैं। अर्थात एक आदमी का दोष हम लगाते हैं, एक दोष लगाते हैं तो उस दोष का तीन गुना दोषी स्वयं हो जाते हैं, तीन गुना दोषी स्वयं हो जाते हैं। अतः ये बात जो जानते हैं वह दोष लगाने से बचते हैं, वो किसी का दोष नहीं लगाते। वही उनके पिता ने समझाया कि
चुगलखोरी और दूसरे की निंदा से बचना चाहिए। चुगलखोरी कहा जाता है उनकी बात सुने और जाकर के जिनसे नहीं कहना चाहिए कह दिए, अरे वो अपने मन की बात हो सकता है भड़ास निकाला है और आपने जाके उठा और जाकर के उनसे बोल दिए कि देखिए आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अब उनको तकलीफ होगी। लेकिन आप जो ये काम किए, जिस दिन ये समझ में आएगा कि आपने ही ऐसा काम किया, आपने ही दोनों के बीच तकरार करवा दिया, तो वह आपको चुगलखोर कहेंगे, आपका प्रतिष्ठा आपका मान हानि होगा। इसलिए ये दोनों काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। निंदा करना भी चोरी या डाके से कम खतरनाक अपराध नहीं है। यानी दूसरों का निंदा करना, दूसरों की बुराई बात करना, चोरी और डकैती जैसे घिनौने अपराधों से कोई कम अपराध नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, दोनों का कैसे मिलाप है? तो देखिए, निंदा में दूसरों का चरित्र हनन करते हैं और चोरी दूसरों के धन को लूटते हैं। चोरी में दूसरे के धन को हम लूट लिए और निंदा में दूसरों के चरित्र का अर्थात उसके कैरेक्टर पर हम सवाल खड़ा करते हैं, उस कैरेक्टर को चुराने का काम करते हैं। तो दोनों तो हुआ चोरी, अतः दोनों चोरी लूट डकैती और किसी की निंदा करना एक समान जुर्म है, एक समान अपराध है। अतः आप अगर इस बात को बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो ऐसा कोई अपराध नहीं करना चाहेंगे और यही उचित होता है। अगले पंक्तियों में, लाइनों में पिता अपने पुत्र को क्या समझाते हैं, देखिए कि देखो जीवन में सभी को तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। जीवन में सभी को अलग अलग तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, अलग अलग तरह से। आपको कोई अंकल, कोई अच्छे आदमी बुरे लगते हैं, कोई बुरे आदमी अच्छे लगते हैं, कोई खूब बढ़िया से आपसे बात करता है, कोई डांट देता है तो आपको बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। वो सभी लोगों का जरूरत है आपके जीवन में, अतः आप सबका सम्मान करना सीखिए अपने स्तर पर, अपने तरीके से। अपनी बात उन्हीं के अनुसार कहो। अध्यापक के साथ बोलने का एक तरीका होता है, मित्र के साथ दूसरा। यानी हम एक ही प्रकार से सबसे बात नहीं कर सकते, सबसे अलग अलग तरीके होते हैं बात करने के। कैसे? तो कभी किसी मंत्री या अफसर से भी मिलना हो सकता है और डॉक्टर के यहां जाने की जरूरत किसे नहीं पड़ती। क्या तुम सभी के साथ बातचीत का एक ही तरीका अपनाओगे? क्या सभी के साथ एक तरह से बात कर सकते हैं? डॉक्टर साहब से भी, इंजीनियर साहब से भी, एडवोकेट साहब से भी, और मित्र से, मंत्री से, सबसे एक जैसा बात नहीं किया जा सकता। सबको एक ही लाठी से हाँकोगे? एक ही लाठी से हाँकना मुहावरा है, जिसका अर्थ हो गया कि सबके साथ एक ही जैसा बात करना। अब आपका मित्र आया, बोला अरे यार क्या हाल है, और पापा से मिले तो अरे यार क्या हाल है। अरे भाई पापा है और ये मित्र है, दोनों के साथ आप इस तरह से थोड़ी कर सकते बात, ये गलत है, इसे न करें। सबको एक ही लाठी से हाँकोगे? मित्रों को यार कहते हो, क्या अध्यापक को भी यार यार कहकर पुकारोगे? क्लास में कहेंगे क्या आप यार आइए यार, या सर कहेंगे? और मित्र को तो यार कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, उसका नाम लेके बुला सकते हैं, लेकिन सबके साथ आप एक ही प्रकार से बात नहीं कर सकते। ये तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप तो समझदार बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं तभी तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। आप अच्छे घर के हैं, आपकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार उन्नत किस्म की है, आपके गार्जियन आपको एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं ताकि उनका बेटा बेटी अच्छे से पढ़े, अच्छे गुणों को सीखे। तो आप समझदार हैं, आप इन बातों को बखूबी समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही ध्यान से सुन करके समझ रहे हैं इन बातों को, कितनी अच्छी बात है। तो देखो बेटा,
गिरगिट की तरह रंग बदलो, गिरगिट की तरह रंग बदलो, लेकिन कहां जैसे लोग हों बातों पर भी वैसा ही रंग चढ़ाओ। अर्थात लोग जिस तरह के हैं उसी तरह से उनसे बातें कीजिए। कैसे? अब एक स्टूडेंट गया और डॉक्टर साहब के पास गया और जाके बोला, है डॉक्टर साहब इस ब्लॉक में कितने गांव आते हैं? छपरा जिला में सर कितने ब्लॉक हैं? डॉक्टर साहब इंजेक्शन भर के मारेंगे। और वीडियो साहब के पास जाकर के पूछिएगा, सर गुड मॉर्निंग सर, सर हाउ मेनी नर्व्स आर देयर इन आवर बॉडी, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं सर, हमारे शरीर में कितने नसें हैं, एक प्लेटलेट्स में कितने बिंबाणु होते हैं, खून में, खून के एक बूंद में कितने प्लेटलेट्स होते हैं, बताओ वीडियो साहब। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, लेकिन अब जिन चीजों से मतलब रख रहे हैं वो उनका क्षेत्र अलग हो गया। अर्थात जिस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनसे अब वीडियो साहब से आप ब्लॉक के बारे में पूछिए, वो बताएंगे, और डॉक्टर साहब से बॉडी के बारे में पूछिए। अर्थात जो जिस तरह से हैं उनके साथ उस तरह से बातें करनी चाहिए। मित्र है तो वैसा, अगर पापा है तो वैसा, अंकल है तो वैसा, भैया है, दीदी है, अलग अलग हमारे संबंध होते हैं, उस तरह से हमें बातें भी करनी चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना ठीक नहीं, पर वहां तो एक मुहावरा है, आज की दुनिया में तुम चाहो न चाहो रंग बदलना ही पड़ता है। अर्थात गिरगिट की तरह रंग बदलना ठीक नहीं होता। गिरगिट की एक खास आदत होती है, वह जिस डाल पर रहता है पेड़ के उसी रंग का वो हो जाता है, उसका स्किन आपने देखा भी होगा। एक बात और कहकर यह पत्र समाप्त करता हूं। बातों के दौरान अनेक लोग खासकर तुम्हारी आयु के बच्चे कसमें खाने लगते हैं, कसम मां कसम भगवान का कसम, मैंने तुम्हारा वो गिली डंडा नहीं लिया, गोली नहीं लिया, ऐसा मत करो, खाने लगते हैं। याद रखो कि इससे बड़ी असभ्यता कोई नहीं, यह सबसे बड़ी असभ्यता है बात बात पर कसम खाना। मित्रों की जिस मंडली में यह सब होता है उसे छोड़ दो, वैसा मंडली में बैठना ही छोड़ दो, उनका साथ करना अच्छा न होगा। लोग तुम्हारी अशिक्षित और कुसंगति कुसंस्कारी समझेंगे, तुम्हें भी कुसंस्कारी यानी कि अच्छी आदतें नहीं है तुम्हारे अंदर ऐसा समझेंगे। ये देखिए ये बच्चा बात बात पर, भाई ये किसने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। अक्सर ही हम लोग देखते हैं घर में कुछ फूट गया या कोई भी काम हुआ, अच्छा ये किसने किया, मैंने नहीं किया। अरे किसने किया पूछा जा रहा है, इसका जवाब आप बता रहे हैं कि मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया तो किसी ने तो किया। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ संस्कारी समझते हैं, कसम से मैं बोल रहा हूं मैंने नहीं किया, ऐसी बातें आप न करें। आप अगर सही हैं तो एक लाइन में कह दीजिए कि मुझे पता नहीं किसने किया, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो किया नहीं। अगर आपसे ही हुआ है तो स्वीकार कर लें, यहां देखिए ना गलती से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना आपका कुसंस्कार दिखा दर्शाता है। पत्र थोड़ा लंबा हो गया पर लिफाफा बंद करूं, ये पत्र लिख दिए हैं पिता अपने पुत्र को, और अब लिफाफा बंद करने से पहले उनसे कहते हैं, उससे पहले एक बात और। क्या है बात भाई? कुछ भी बोलो, किसी से कुछ भी कहो, यह सभ्य सौम्य और शालीन होना चाहिए। सौम्य का अर्थ होता है सुंदर होना चाहिए, जो बातें अच्छी लगे कर्ण प्रिय, कर्ण मतलब कान, अप्रिय माने कानों को प्रिय जो बात लगे वैसे ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी को, बहुत लोग उपनाम लेकर के बुलाते हैं जानवरों की बोध करा देते हैं, अरे तुम तो एकदम बंदर हो गए हो,
ऐसा ना बोलो, अगर उसे बार बार बोलने पर उसे तकलीफ लग रही है जिन बातों को बोल करके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कई बार बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, चिढ़ाते हैं किसी बच्चे को, उसका नाम ले लेकर के चिढ़ाने लगते हैं, तो वो बातें उसे अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप न बोलिए, वैसा बात नहीं करना चाहिए। जिस बातों से उसको तकलीफ पहुंच रही है, तो तकलीफ पहुंचाने का काम अगर आप करते हैं तो बताइए, किसी को तकलीफ देना कितनी अच्छी बात हो सकती है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी, वह बुरी बात है। अतः ऐसे काम आप जैसे समझदार बच्चे अगर करते हैं तो ना समझ क्या करेंगे। अतः आप तो दूसरों को समझाने वाले हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो आप दूसरों को समझाने का प्रयास कीजिए। अगर किसी बच्चे को देख रहे हैं कि उसको वो रिगा रहा है, पिनका रहा है या शरारतें कर रहा है, तो आप उसे मना कर सकते हैं, न कि आप भी उसके सहयोग में उसके साथ हाँ चलो मजा आ रहा है। उसमें भला क्या मजा, मजा तो तब आए कोई हंसता हुआ बैठा हुआ है और जाके उसको रुला दिए, तो उसमें मजा, वैसा मजा तो राक्षसों को आता है, देवताओं को नहीं, अच्छे लोगों को नहीं आता। मजा तो तब है जब कोई रो रहा हो और तब उसे आप हंसाते हो, तब मजा आता है। सौम्य हो आपकी बातें और शालीन हो, यानी संस्कार से पृथक ना हो, यानी अपशब्दों का प्रयोग कई बच्चों द्वारा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल ही गलत है। यही तुम्हारे मुख पर ऐसा ही भाव रच जाना चाहिए जैसे पौधों पर फूल रचते हैं, और किसी से बातें करें करना चाहिए जब, तो हमें मुस्कुरा करके ही बातें करना चाहिए, जैसे लगे अरे ये तो गुलाब का फूल है जो धीरे धीरे खिल रहा है, ऐसा सामने वाले को अच्छा लगेगा। पौधों पर फूल रचते हैं तो लो मेरा प्यार और दो आज के लिए विदा, तुम्हारा पिता लॉर्ड चेस्टरफील्ड। यही चेस्टरफील्ड अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, और अपने पुत्र को पत्र लिखने में उन्होंने इतनी सारी बातें समझाई, इतनी बातें। छात्रों अगर इतनी बातें, मेरा पूरा विश्वास है कि कोई छात्र अपने जीवन में अगर अपनाता है तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा उस छात्र को अपने जीवन में जो उस छात्र की कभी बुराई करेगा। सब लोग कहेंगे वेरी गुड बॉय, एक्सीलेंट बॉय, ब्रिलियंट बॉय, सब लोग आपको अच्छे अलंकृत शब्दों से सम्मान कर देंगे, कभी कोई बुरा बात आपके बारे में नहीं, बड़ा नॉटी बॉय है, बदमाश है, ऐसा बात नहीं बोलेंगे आपके बारे में, आपको तो सब लोग प्यार देंगे, सब लोग अच्छा कहेंगे, नहीं, he's nice, she's nice, वो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा यूं ही नहीं मिलता सुनने को, उसके लिए इतनी बातों को रखनी पड़ती है अपने अंदर। और आशा है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं अच्छी तरह से, तो निश्चित है कि आप इन सभी बातों को अपने हृदय में रखेंगे, अपने मन और मस्तिष्क में रखेंगे, तथा ऐसे इसे अपने जीवन में उतार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे। इसी के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं हम लोग, आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। छात्रों अब विदा लेने का वक्त आ गया मेरा भी आपसे, इसलिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।